अभी तो बच्चों को हम कुछ नहीं बोलते करने के लिए बच्चों को खाली हम फ्री दे दिए कि तुमको पढ़ाई करना है पढ़ाई सिवा छोड़ कर कुछ नहीं उसको तो एक गिलास पानी नहीं पी लाने देते अच्छा। आप दूसरे घर पे काम कर रहे हैं हम तो काम कर रहे हैं दूसरे घर से कम से कम एक बानवे से हम काम कर रहे हैं देखिये की यहाँ पर परिवार में कोई नहीं है इनके पिताजी का तस्वीर आप देख सकते हैं कि स्वर्गवास कर चुके हैं और... अकेला रहना पड़े बाकी बच्चा पढ़ लेगा तो उसको बढ़ के खुशी आप कोई चीज नहीं है मा माँ यहाँ अकेली रहेगी और मैं वहाँ कैंपस में ही रहूँ तीन जगह तो आप काम करते हैं कि पैसा आ जाए और एक जगह कि अपना बेटा का पेट भर है। दे है, प्राउड है पहले तो वैसा माँ जुनून वाली मिलना चाहिए जो कि कठोर परिश्रम कर रही है और प्लस उनके पास कोई साधन नहीं है राशन भी बी से मिलता है आज ये चीजें हो रहा है आज का पापा रहता खुश रहता है ना जब जब कुछ होता है तो खुशी हाँ तो एवन करेगा अपना आदमी को अभी हम अमरजीत के घर पे हैं वही अमरजीत है जिनको आप लोगों ने अगले वीडियो में देखा 35 लाख का स्कॉलरशिप मिला हुआ है इनका एक किराए का मकान है ऊपर में जो देख रहे हैं कि गांव में इसे भाषा में खर बोला जाता है और ये इनका छोटा सा किचन है आप देख सकते हैं कि छोटा सा डब्बा है इसमें दाल है कुछ मसाला वसाला है सिंगल गैस वगैरह है बोरा में चावल है और इनकी माता जी हमारे साथ हैं जो कि दूसरे के घरों में जा के चूल्हा चौकड़ी करती है तब जा कर के अपने बच्चे को यहाँ तक पहुँचाई है बहुत बहुत मुबारकबाद और धन्यवाद आपको कि आपने समाज में एक ऐसा काम किया कि उदाहरण बन जाएगा क्या फील कर रही है क्या बहुत अच्छा है खुशी की चीज है खुशी हो रहा है हाँ खुशी है क्या सपना था आपका बच्चे को लेकर बच्चे का क्या सपना रहेगा बच्चा का सपना यही है की बच्चा भविष्य तो सोचे थे कि पढ़ेगा मेरा बच्चा तो आगे बढ़ेगा अभी वही खुशी है बच्चा आगे बढ़ेगा तो आओ अच्छा बात है तब से आप दूसरे घर पे काम कर रहे हैं हम तो काम कर रहे हैं दूसरे घर से कम से कम एक बानवे से हम काम कर रहे हैं यानी कि जब आप पटना में आई थी तब से ही तब से हम काम कर रहे हैं पटना में ये लोग आए थे आज से बारह साल चौदह साल पहले और इनके पिताजी जो है अब इस दुनिया में नहीं है सुरवास पधार चुके हैं माला लगा हुआ है और उस उसपे तस्वीर लगा है उसमें माला चढ़ाया गया है तो इन, इनके पिताजी कब आपका साथ छोड़ दिए कब दो गए सत्रह में छोड़ दिए कुछ बीमारी या क्या करना? नहीं अचानक माथा में दर्द उठा गए डॉक्टर यहाँ तो डॉक्टर बोला कि माथा क्या बोलता है हाँ जो हो गया तो हम आए कि टेम्पू लौटा दिए कि आए हम पैसा लेने के लिए पैसा क्या लेंगे ये जी आते थे गेटे पर चल दिए दुनिया से क्या करते थे पिताजी का नाम क्या था इनका जोगिंदर राम चंद्रवंशी रामचंद्र क्या करते थे लेबर के काम करते थे नहीं शादी होने के बाद वो पहले उप पटना चला है उसके बाद हम आए पटना मतलब शादी हुआ तो गांव में यहाँ पर आए थे हाँ ये आए कितना मुश्किल हुआ ये पढ़ाने में क्योंकि आप तो आ, मुश्किल हुआ तो मुश्किल क्या बताएंगे मुश्किल आएगा तब फिर अभी पिताजी नहीं है अगर आज होते तो खुशी कितना होता है हाँ पिताजी तो रहते तो बहुत खुशी होता थोड़ा सा तो महसूस आ रहा है अगर वो पिताजी रहते थे, थोड़ा खुशी बढ़ता थोड़ा पिता के लेके तो महसूस हो रहा है तो आप तो आप खुद संघर्ष कर रही हैं, खुद कमा रही हैं, खाना भी शायद आप ही बनाती होंगी घर के भी। हाँ खाना तो हम ही बनाते हैं काम करके आते हैं खाना बनाते हैं नहीं बनाएंगे तो बच्चों कैसे रहेगा अच्छा अमरजीत कुछ सहयोग करते हैं कमाने में पैसा लाने में नहीं अभी तो बच्चों को हम कुछ नहीं बोलते करने के लिए बच्चों को खाली हम फ्री दे दिए कि तुमको पढ़ाई करना है पढ़ाई सेवा छोड़ कर कुछ नहीं उसको तो एक गिलास पानी नहीं पी लाने देते उसको हम ही सारा चीज हम करके देते वो अपना ये वो अथी तक नहीं कपड़ा तक नहीं पीता सारा चीज हम करके कर कर करती, करती है सारा चीज हम करके देते हैं बच्चा आगे भविष्य बढ़ेगा तब सब चीज करेगा कि माए मेरा ऐसा किया है तो करबे करेगा बच्चा तो आपका बच्चे जा रहे हैं बेंगलोर पढ़ने तो सब उनको ही करना पड़ेगा हाँ

देखिए कि यहाँ पर परिवार में कोई नहीं है इनके पिताजी का तस्वीर आप देख सकते हैं कि स्वर्गवास कर चुके हैं और इनकी माता जी का माता जी यानी कि नानी का तस्वीर है और एक छोटा सा यहाँ पर रेंट पर रहती है गाँव से दूर लेकिन अब ये सोच रहे कि भले हम अकेले रहें इनके पति तो छोड़ के पहले चले गए और पुत्र जो है इनका साथ छोड़ के बेंगलोर पढ़ने जाने वाले हैं फिर भी ये तैयार तो है कि अकेले रहेंगे लेकिन मेरा बच्चा पढ़ना चाहिए बहुत बड़ा जिम्मेवारी आप पर आ जाएगा जी बिल्कुल जिम्मेवारी तो बहुत आएगा लेकिन सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा

हम अभी कर रहे हैं तीन जगह काम तीन जगह करते हैं एक दिन में कितना कितना घंटा समय लगता है सुबह निकलते हैं पाँच बजे तो नौ बजे घर आ जाते हैं नौ बजे फिर खाना उना बना के नहा हुआ के फिर साढ़े ग्यारह बजे एगो जाते हैं सागर यहाँ हुआ काम करने के लिए सर सागर यहाँ वहाँ से अभी आ रहे हैं चार जगह काम करे अपना घर और तीन अन्य जगह नहीं तीन जगह दो जगह करके कर कर आते हैं तो खाना उना बना तीसरा में वहाँ जाते हैं चौथा में घर हुआ वो ना बोल रहे हैं कि तीन जगह पर आप काम करते हैं कि पैसा आ जाए और एक जगह कि अपना बेटा का पेट भर दे हम्म बहुत संघर्ष आप कर रही है देखिए कि अमरजीत का घर है क्या कहिएगा खोजने से से माता नहीं निशब्द है प्राउड है पहले तो वैसा मां जुनून वाली मिलना चाहिए जो कि कठोर परिश्रम कर रही है और प्लस उनके पास कोई साधन नहीं है राशन भी बीपीएल से मिलता है लेकिन उसका सपना जो है वो बहुत आगे था कि नहीं पढ़ाना है हमको बेटा को आगे पढ़ाना है मेरा पूरा फैमिली बैकग्राउंड में मेरे जितना भी खानदान है या फिर मेरी सोसाइटी में जो भी जब बचपन से मैं सोसाइटी में पला वहाँ पे सब लोग भिन्न प्रकार के अलग अलग एक्टिविटीज करते थे जो कि जानते ही है कैसे आज पिछड़ा हुआ समाज के लोग रहते हैं लेकिन मेरी माँ का वो चीज़ भटका नहीं कि नहीं मेरा बेटा इसी समय रह जाएगा मेरी माँ अलग सोचती थी जहाँ काम करती थी उससे उसको प्रेरणा मिला और मेरी माँ से हमको प्रेरणा मिला रो रहे हैं तो खुश होना चाहिए आपके नहीं रोवेंगे कहेला तो आज, आज ये चीजें हो रहा है काशी का पापा रहता है खुश रहता ने हाँ आ तो कहे ना है जब जब कुछ होता है तो खुशी हाथ तो एवन करेगा अपना आदमी को चलिए तो एक सफलता मिल रही है लेकिन एक दूरी बन रही है मार बेटे के बीच में हमने दिखाया आपको और ये संघर्ष का जो इनका कहानी आप देख लीजिए कि इसी में लिखाया है और इतिहास आने वाले समय में याद करेगा अमरजिद को कि किस तरीके से ये मेहनत कर रहे थे पटना के उस जगह पे जहाँ पे अमीरों के बच्चे रहते हैं पढ़ते हैं बोरिंग रोड में तो बाकी आपकी जो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए फेसबुक दिख रहा शेयर कीजिए यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब किया धन्यवाद